It was okay, fine. How's your Kaju? Acting was good, but the storyline was not very good. It wasn't realistic. It was realistic, but it was very cliched. If you talk about the direction, song, how was it? It was okay. Okay. And if you talk about the locations and everything. Yeah, art direction was very good. The color and the decoration of the house, it really stood out. And songs? Songs were okay, nothing much. Lastly, how many songs were left? 2.5, 3. It was good. It was really nice. Okay. So story ki baat kare, story kaisi lagi? Story was awesome. Okay. Aur Riddhi aur Kajol ka jo on screen chemistry dono ki maa bete ki kaise lag rahi? Riddhi and Kajol. Maa bete ki jo jodi. Vivan and Vivan and Neela, I believe. Yeah. So it was good. It was really nice. I mean, real. You know, one could relate it to the real life, like how mothers and child's relationship is. So they've just picturized it the way it is. Okay. Out of 5. 5 out of 5. I would tell this to everyone. 5 out of 5. Thank you. Yeah. बहुत अच्छी मूवी थी. बहुत अच्छी थी उनकी एक्टिंग और बहुत रिलेटेड थे. मतलब ये लाइफस्टाइल के लिए, यंगस्टर के लिए. क्या कुछ खास लगा आपको स्टोरी? उनका कमबैक अच्छा लगा था मुझे. लास्ट माइंड ऑफ कमबैक, क्योंकि उसका बेटा बहुत सपोर्ट करता है मूवी में उनको. जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उतना मूवी खरी. बहुत अच्छी थी, उससे भी ज़्यादा खरी. बहुत अच्छी थी रिलेशनशिप. अच्छा था, बहुत अच्छा. सब अच्छा था. एवरीथिंग इज फैंटास्टिक. इनफाइनाइट नंबर्स सबको ही बोला था आपको भी. थैंक यू. कैसी लगी? अच्छी लगी. बहुत अच्छी. बहुत अच्छा था केमिस्ट्री. स्टोरी कैसी थी? स्टोरी आप हर घर में स्टोरी देख सकते हैं, लेकिन जो पेरेंट्स बोल नहीं पाते हैं अपने बच्चों से, वो इस मूवी में दिखाया है. ये तो आप हर घर में देखेंगे, टिफ़िन नहीं लाए, खाना खा लो, जल्दी आना, वो तो आपको हर घर में दिखेगा. लेकिन एज अ पेरेंट्स, मतलब उनकी क्या चिंता होती है या बच्चे अपने पेरेंट्स से क्या चाहते हैं, दोनों को इसमें अच्छा डिस्क्राइब किया गया है. सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा आपको? मुझे लास्ट सीन अच्छा लगा. क्या उसमें दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया, दोनों ने एक दूसरे की फीलिंग को समझा, उसने अपने मदर को भी समझा कि वो भी ठीक हैं, जो उनका व्यू है सोचने का, और काजोल ने भी समझा कि यस, मतलब बताया कि हमें दोनों को समझना चाहिए. ये नहीं कि हम एज अ पेरेंट्स तो बच्चों पे थोप रहे हैं, वो बच्चे हैं तो पेरेंट्स को वो कर रहे हैं. मतलब दोनों के एक दूसरे का साथ चाहिए, दोनों के लिए मूवी है, बच्चों को भी देखनी चाहिए मूवी. काजोल एज अ मदर कैसी थी? मुझे तो हमेशा अच्छी लगी हैं. वो भी अच्छा था. कितने स्टार आउट ऑफ 5? 5, बिल्कुल 5. ओके मैम, कैसी लगी फिल्म? बहुत अच्छी. काजोल लंबे समय बाद रियली रॉक स्टार ब्लॉकबस्टर कमबैक फॉर काजोल. एंड आई मस्ट से कि ये उनका एक नया डेब्यू है. एंड शी इज वेरी फाइन इन दिस मूवी. आई लव हर वेरी मच. हर एक्टिंग, हर वे ऑफ सेइंग डायलॉग्स एंड हर वे ऑफ स्लैपिंग हर सन, एवरीथिंग आई लव. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. स्टोरी लाइन भी ऑल्सो वेरी गुड. मतलब किसी भी टाइम में ये नहीं लगा कि बोर हो रहे हैं. बहुत ही एंटरटेनिंग था सब कुछ. मूवी का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको याद रहेगा? पूरा मूवी याद रहेगा, क्योंकि बेसिकली कंसेप्ट ये है कि हर, मतलब कि एज अ मदर तो बहुत अच्छे से इसके साथ रिलेट कर सकते हैं मूवी के साथ, क्योंकि हर मदर का ये नेचर होता है कि अपने बच्चों के पीछे वो लगी रहती है, लगी रहती हैं. तो हर तरीके से रिलेट. और एक मैसेज भी है कि अपने बच्चों को थोड़ा स्पेस देना चाहिए, उनको भी अपनी लाइफ जीनी चाहिए, और साथ साथ अपनी लाइफ हमें भी जीनी चाहिए. एक वक्त आता है कि हम अपनी लाइफ भूल जाते हैं जीना. तो इसमें यह है कि अपनी लाइफ को दोबारा रिकलेक्ट करो और बच्चों को भी स्पेस दो, ताकि दोनों रिलेशनशिप्स जो हैं वो बहुत अच्छे से मेंटेन रहे. डायलॉग तो याद नहीं है, बट हाँ उसका थप्पड़ मारने का स्टाइल ज़रूर याद है. बिल्कुल, डेफिनेटली बताया तो यही कि बच्चों को स्पेस देना चाहिए थोड़ा, ताकि वो बहुत, मतलब उनको जो एक लव है पेरेंट्स का, वो सफोकेटिंग ना लगे. कितने स्टार आउट ऑफ 5? थैंक यू. कैसी लगी फिल्म? बहुत ही अच्छी लगी है. मूवीज अच्छी है और काजल मैम की भी एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है. उनसे हमें सीखने को बहुत ज़्यादा मिलता है. एक्टिंग लाइन पे हैं, एक्टिंग फील्ड्स पे हैं, तो बहुत ज़्यादा मॉडलिंग पे भी हैं, तो इससे बहुत नॉलेज मिलता है. और स्माइल बहुत ही क्यूटनेस है, उनसे बहुत ही अच्छा लगता है देखना उनको. आप लोगों ने टाइम काजोल के राइट की एक्टिंग में क्या बात?
एक्टिंग में दम होना चाहिए, दिल से होना चाहिए, जो उनमें है दिल से करती हैं उनकी एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। हाँ जी, हाँ फ्रेंकली भी है और दिल से भी है और केयर भी है, सब कुछ है जो होना चाहिए मॉम को, कि हाँ मॉम को एक बच्चे को समझना चाहिए, वो समझती हैं और सिखाती भी हैं और डांटती भी हैं। मूवीज़ बहुत कुछ मैसेज देती है जो नोटिस की जाती है, उनकी एक्टिंग से नोटिस किया जाता है कि हाँ क्या होता हैगा कि मूवीज़ में बच्चे के लिए क्या कर रही हैंगी वो और क्या हमें करना है। बहुत ही अच्छा था, 4 ही दूंगी मैं भी।